तो नेताजी का आप रोड शो कुछ ही देर में देखेंगे, जनसंपर्क के लिए नेताजी निकल रहे हैं और हम देखेंगे वहां पर आखिर लोगों में कितना उत्साह है इनको लेकर के, और साथ ही साथ बेबाकी से इनके साथ सवाल भी करेंगे, जवाब भी इनसे लेंगे। पार्षद रहते हुए, महापौर रहते हुए कितना इन्होंने काम किया वो भी रास्ते में आपको दिखाते चलेंगे। चलिए नेताजी। तो निकल पड़ी है नेताजी की गाड़ी और नेताजी से अब सवालों का दौर शुरू करते हैं। कुछ सवाल हम यहाँ करेंगे, कुछ रथ पर सवार होकर भी करेंगे जनता के सामने, चूंकि पार्षद के बाद महापौर, महापौर के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से देख रहे हैं? हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भोपाल सीहोर संसदीय सीट से मुझ जैसे एक भोपाल की सड़कों पे काम करने वाले साधारण से कार्यकर्ता को भोपाल लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है। अब जनता के बीच में हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। पूरी देश की जनता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। आज अटक से लेकर कटक तक चले जाइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, हर गली, हर मोहल्ले, हर परिवार से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार 400 पार। और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में जो अपनी विश्वसनीयता जनता जनार्दन के अंदर एक उनकी इमेज सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहा है। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भोपाल लोकसभा में मिलने वाला है। मोदी फैक्टर काम करेगा, राम मंदिर काम करेगा, या आपको देख करके जनता वोट देगी, आपके जो पुराने काम है उन्हें देख करके वोट देगी? देखिए, आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर चल रहा है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शिता उनकी और स्पष्टवादिता जो सामने आई है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। तो मैं पुराने भोपाल में, मेरा जन्म हुआ है, मैं पुराने भोपाल में काम कर रहा हूँ, मैं बर्रुकट भोपाली हूँ, यहाँ की गलियों में खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ, यहाँ मैंने कंचे भी खेले हैं, पतंग भी उड़ाई है, साइकिलों में भी मैं घूमा हूँ, और भोपाल आज 418 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो ये मेरे बड़े होते होते देखते देखते आज मेरा भोपाल बहुत बड़ा भोपाल बन गया है। इस भोपाल का हम विकास करना चाहते हैं। पार्षद के कार्यकाल को भोपाल की जनता ने देखा है और महापौर के कार्यकाल को भी भोपाल की जनता ने देखा है। आज महापौर का जब मुझे अवसर मिला तो मैंने यहाँ पे स्मार्ट रोड बनाए, यहाँ पे बड़े बड़े फ्लाई ओवर हमने बनाए। आज भोपाल अगर स्मार्ट सिटी बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, हेरिटेज सिटी बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, डिजिटल सिटी बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, ग्लोबल सिटी बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, मेट्रो सिटी बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण आज हमारा शहर मेट्रो सिटी बना है। हम चाहते हैं कि भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, इसके लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले समय में जनता के सुझावों को संग्रहित करते हुए, एकत्रित करते हुए हम भोपाल के विकास का रोड मैप बनाएंगे। बहुत ही जल्दी भोपाल के विकास का संकल्प पत्र लाएंगे। बहुत ही जल्दी हम आपके माध्यम से, चूंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से मैनिफेस्टो लाकर भोपाल का हम विकास करेंगे। आज भोपाल पूरे देश के अंदर अगर हम देखेंगे तो ट्विन सिटी की कल्पना पे काम हो रहा है। जिस प्रकार अहमदाबाद और गांधीनगर में ट्विन सिटी को जोड़कर विकास हुआ, इसी प्रकार से सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़कर ट्विन सिटी के रूप में विकास हुआ है, इस मॉडल को हम भोपाल में लाएंगे। भोपाल और सीहोर को जोड़ के ट्विन सिटी की कल्पना है, इस आधार के ऊपर हम भोपाल का विकास करेंगे। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आप राशन तो दे रहे हैं इतने सारे लोगों को, पर रोजगार कब देंगे? रोजगार नहीं देंगे, आप रोजगार पर तो काम करते ही नहीं है, सिर्फ लोगों को राशन देकर के कहीं ना कहीं उनको घर बैठाने का काम कर रहे हैं। रोजगार की दिशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काफी काम किए हैं। स्टार्टअप के तहत हम लोगों को आगे लाने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भोपाल का जो विकास का रोड मैप हम बनाएंगे, तो भोपाल और जो सीहोर है, सीहोर हमारा लोकसभा का क्षेत्र है, वहाँ 4,500 एकड़ जमीन है जो सुगर मिल की पड़ी हुई है। हम वहाँ पे ये चाहते हैं, कुछ कानूनी पेचीदगी के कारण सारी जमीन न्यायालय में, सम्मानीय न्यायालय में पेंडिंग है, हम उसका निराकरण करके
प्रधानमंत्री जी पर साफ सुथरी जमीन ले जाकर हम मांग करेंगे केंद्र सरकार से कि वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। जब हमारे सीहोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, कार्गो बनेगा, तो निश्चित रूप से नए नए रोजगार के साधन बनेंगे। भोपाल में कई संभावना है टूरिज्म की, टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करेंगे। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। रथ पर सवार होंगे हम और नेताजी से सवाल करेंगे, कई सारे लोग भी वहां पर होंगे जिनसे नेताजी जनसंपर्क करने के लिए पहुंच रहे हैं। आखिर जनता कितना एतबार करती है, क्या सोचती है, क्या बदलाव चाहती है या फिर से एतबार करना चाहती है? चलते हैं वहीं और देखते हैं। जनता से पहले ईश्वर का आशीर्वाद पहले जरूरी है। हनुमान जी महाराज संकट मोचन है, कलयुग में हनुमान जी महाराज ही सबकी रक्षा करते हैं, सबके कष्टों को दूर करते हैं। आज मेरा भोपाल की मध्य विधानसभा में जनसंपर्क प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले हनुमान जी, भगवान हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट हैं, आज उनको मैंने प्रणाम किया है और प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके मैं जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ। आप आश्वस्त हैं कि आप हनुमान जी नैया पार लगाएंगे आपकी? निश्चित रूप से हनुमान जी का आशीर्वाद, उनकी शक्ति, उनकी हिम्मत हमारे साथ में है और निश्चित रूप से भोपाल में कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी विजय सिंह का रंग करेगी। तो रोड शो की शुरुआत हो चुकी है, नेताजी का रोड शो शुरू हो चुका है और हमारे साथ बेबाक जो सवालों के जवाब देते हैं, अलग ही अंदाज रखते हैं, आलोक शर्मा जी कट्टरवादी हिंदू है और भगवान राम में, हनुमान में जो आस्था रखते हैं उसी आस्था और विश्वास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं चुनाव में। आखिर कितना आश्वस्त है? भोपाल की जनता लगातार 35 साल से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सांसद बना के दिल्ली पहुंचा रही है। मैं भोपाल का बेटा हूं, यहां की गलियों में खेल कूद करके बड़ा हूं और यहां की जनता ने मुझे दो बार पार्षद बनाया है, महापौर बनाया है और इस बार सांसद के रूप में आशीर्वाद मिलेगा। आज हम मध्य विधानसभा क्षेत्र में निकले हैं, मध्य विधानसभा के लोकप्रिय पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह जी के साथ आज बरखेड़ी क्षेत्र में आ रहे हैं। जनता के बीच में उनका लाड़, उनका प्यार, उनका दुलार, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम जनता से यही निवेदन कर रहे हैं कि इस बार कटक से लेके कटक जाइए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाइए, एक ही आवाज आ रही है, अब की बार 400 पार। निश्चित रूप से भोपाल में भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से इस बार जीत के सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करेगी। साथ भी प्रज्ञा ठाकुर से नाराज के लोगों में बहुत ज्यादा देखी गई, वो लोगों के बीच में भी जाती थी साथ ही प्रज्ञा, और कई ऐसे बयान थे जिससे मोदी जी नाराज भी हो गए थे। आखिर आप किस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को खुश कैसे करेंगे? साथ भी प्रज्ञा दीदी हमारी दीदी है, हमारी बहन है और उनको भोपाल की जनता ने लाखों मतों से जिताया था। जो भी उन्होंने विकास के काम किए हैं, वो विकास के वो कामों को हम आधार बनाकर जनता के बीच में जा रहा है, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद की आप बात कर रहे हैं, आश्वस्त भी हैं आशीर्वाद को लेकर के, और साथ ही साथ देखिए लोगों में उत्साह कितना ज्यादा है। लोग जो है किस तरह से आलोक जी का स्वागत कर रहे हैं, जनसंपर्क के लिए जब आलोक जी निकले हैं और खुशी लोगों में, उत्साह, ये सब जगह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं इसीलिए सिर्फ कि लोगों में उत्साह, बच्चों में उत्साह, महिलाओं में उत्साह कितना ज्यादा है आलोक जी को लेकर के। उनसे और भी बातचीत करेंगे हम। आलोक जी देखिए फूलों की बरसात हो रही है, पीएम मोदी भी आ रहे हैं अब तो और ज्यादा माहौल गर्मा जाएगा। 24 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजा भोज की नगरी में आ रहा है, रानी कमलापति की नगरी में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करने के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी है। भोपाल की जनता जनार्दन पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी और यही प्रार्थना करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता तीसरी बार संभाले, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए आरिफ अकील के खिलाफ आप खड़े हुए थे और वहां से आपको हार मिली, उसके बाद भी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, आखिर उस भरोसे को कैसे पूरा करेंगे आप? पार्टी का हर आदेश का पालन कर
मैंने भोपाल से यहाँ मैं चुनाव लड़ता हूँ। यहाँ कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव दलिया आधार पे नहीं होता, विकास के मॉडल पे नहीं होता। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव को हिंदू और मुसलमान का चुनाव बना दिया, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चुनाव बना दिया। पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, भोपाल की जनता मुझे लोकसभा चुनाव के अंदर अपना आशीर्वाद देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आलोक जी बात करने के लिए। हमारे साथ भोपाल लोकसभा सीट से आलोक जी, एक